आपने अक्सर दो बड़े जानवरों को किसी छोटे जानवर का शिकार करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मांसाहारी जानवर जब आपस में टकराएंगे तो उनका अंजाम क्या होगा? क्या कभी किसी हाइना को किसी लिपर्ड को नोचते हुए देखा है, या किसी लॉयन को मगरमच्छ का शिकार करते हुए? क्या कभी भालू को टाइगर से लड़ते हुए देखा है? तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी अमेजिंग क्लिप्स आपको दिखाने वाले हैं। लॉयन वर्सेस हाइना। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक बेचारा लाचार हाइना किसी तरह अपने शिकारी जानवरों से छुपते छुपाते हुए निकल कर जा रहा था, तभी वहां पर उनके ऊपर घात लगाए बैठे कुछ जंगली शेरों ने अटैक कर दिया है। एक तो हाइना बेचारा वैसे ही परेशान था, दूसरा ऊपर से ये लॉयन का हमला। वो बेचारा हाइना अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, तब तक लॉयन एक एक करके काफ़ी अटैक कर देते हैं, जिससे हाइना घबराकर सदमे में आ जाता है और धीरे धीरे वो अपनी दम तोड़ने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन लॉयन इतने गुस्से में नज़र आ रहे हैं कि वो किसी तरह से उस हाइना को छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। एक एक करके हुए लॉयन के खतरनाक हमले से आखिरकार हाइना अपना दम तोड़ ही देता है। टाइगर वर्सेस वियर। इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से एक मादा भालू और यहाँ पर टाइगर के बीच में जोरदार तरीके से जंग चल रही है। जैसे ही इस टाइगर ने उस मादा भालू के बच्चे पर अटैक करने की कोशिश की, ये भालू काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है और उल्टा टाइगर के ऊपर ही अटैक कर देती है। हालांकि टाइगर से अटैक के मामले में बियर का जीतने के चांस लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन बियर यहाँ पर अपनी फाइट से और दरिया दिल्ली से सबका दिल जीत लेती है। बियर एक एक करके टाइगर के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार तरीके से अटैक करती है, जिससे देखकर एक बार को तो लगभग टाइगर भी घबरा जाता है। लेकिन टाइगर की मजबूत पकड़ और उसके नुकीले दांतों के आगे बियर की एक नहीं चलती है और उसे धीरे धीरे करके सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन तभी मामले में रोमांचक मोड आता है और भालू काफ़ी अग्रेसिव होकर टाइगर को वहां से भगा देती है। वियर वर्सेस वुल्फ। दोस्तों, भालू की एक और इंटरेस्टिंग फाइट आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर पानी में बैठे कुछ भेड़ियों ने यहां पर इस वुल्फ के ऊपर अटैक कर दिया है। भालू काफ़ी कोशिश करते हैं उन भेड़ियों को पानी से बाहर निकालने की, लेकिन भेड़िए बेचारे डर के मारे वहां से निकलना चाह ही नहीं रहे। जैसे कि इस क्लिप में देख सकते हो कि किस तरह से एक भालू को यहाँ पर भेड़ियों के द्वारा घेर लिया गया है। भेड़ियों का एक और साथी सतह पर मौजूद है और वो अपने साथी को किसी तरह से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन ये भेड़िए उसको छोड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं। आखिरकार इन दोनों की फाइट का अंजाम ये होता है कि यहाँ पर एक भेड़िए को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और किस तरह से ये भालू उसको नोच नोच कर खाने में लग जाते हैं। उनके साथ ही बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वो नाकाम ही रहती है। क्रोकोडाइल वर्सेस लॉयन। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जल का सबसे खूंखार जानवर यानी क्रोकोडाइल अपने आप में एक अजीब ही शख्सियत है। इसका बाइट फोर्स इतना पावरफुल है कि एक बार इसके जबड़ों में कोई जानवर आ जाए तो उसको फिर भगवान ही बचा सकते हैं। लेकिन आज इस क्रोकोडाइल का दिन शायद अच्छा नहीं था। वो बाहर धूप सेक रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके ऊपर अटैक हो जाता है। जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हो कि किस तरह से क्रोकोडाइल के ऊपर यहाँ पर लॉयन ने ज़ोरदार तरीके से हमला किया है। हमला इतना घातक था कि क्रोकोडाइल के जान पर ही बन आई। वो काफ़ी कोशिश करता है छटपटाने की और लॉयन से दूर भागने की, लेकिन लॉयन उसको मजबूत पंजों में जबड़ कर वहाँ से भाग जाते हैं। एलिफेंट हाइना वर्सेस वाइल्ड डॉग। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक हाइना को यहाँ पर जंगली कुत्तों ने घेर लिया है। हाइना काफ़ी परेशान और बीमार लग रहा है, लेकिन वो वाइल्ड डॉग के हमलों को बखूबी बचाव कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हाइना बेचारा अकेला क्या कर पाएगा जब जंगली कुत्ते झुंड में मौजूद हैं। पहले तो वो उन जंगली कुत्तों से धीरे धीरे करके निपटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि अब मामला ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, तो उनके सामने उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। हालांकि ये हाइना काफ़ी कोशिश करता है उन दरिंदों से अपनी जान बचाने की, लेकिन लगता है कि आज ये इन जानवरों का भोजन बनकर ही रहेगा।
लिपर्ड वर्सेस हायना। दोस्तों जंगल का शायद ही ऐसा कोई जानवर हो जो लिपर्ड के हमले से ना घबराता हो, क्योंकि इसका शिकार करने की तकनीक इतनी घातक है जिससे कोई भी जानवर बच नहीं सकता। लेकिन आज इस लिपर्ड का गल बुरा दिन कहें या फिर उसके ऊपर आया हुआ बुढ़ापा, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से हायना मिलकर इस लिपर्ड का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। लिपर्ड एक तो थका हारा और शायद बूढ़ा भी लग रहा है। एक एक करके ये हायना पहले तो उस लिपर्ड को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लिपर्ड धराशायी हो जाता है तो ये उसको नोच नोच कर खाने की कोशिश में लग जाते हैं। लिपर्ड बेचारा उठकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा, हायना का हमला इतना घातक था। स्नेक वर्सेस मंगूस। दोस्तों दुनिया के जानवरों में होने वाली सबसे खतरनाक लड़ाइयों में एक दूसरे के राइवल हैं स्नेक और मंगूस। इन दोनों जानवरों की लड़ाई इतनी विश्व प्रसिद्ध है कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से एक मंगूस इस स्नेक के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। स्नेक भी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है और वो उस नेवले के हमले से अपने आप को बखूबी बचा रहा है। अचानक ही देखते देखते इन दोनों के हमले तेज हो जाते हैं और ये पहले से एक दूसरे पर ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर नेवले का एक दाव काम कर जाता है और सांप को मुंह पकड़ के पछाड़ देता है। उसके बाद ही सांप मानो सरेंडर कर देता है और वो उसका भोजन बन जाता है। जैगुआर वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों जंगल की दुनिया में और कैट फैमिली में सबसे पावरफुल एनिमल अगर कोई है तो वो है जैगुआर। जैगुआर के हमले इतने घातक होते हैं कि शिकारी जानवर को सोचने तक का भी समय नहीं मिलता कि ये उसके साथ क्या हो गया। ऐसा ही होने वाला है इस कुछ क्रोकोडाइल के साथ। जैसा कि झाड़ियों में बैठे हुए इस लिपर्ड की निगाह यहाँ पर क्रोकोडाइल के ऊपर है। क्रोकोडाइल जो कि आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान है और वो मस्त पानी में तैर रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर लिपर्ड के रूप में जैगुआर के रूप में एक खतरनाक शिकारी आ जाता है। जैगुआर पहाड़ी पर देखकर ही मगरमच्छ को वहीं से छलांग लगा देता है और अपने एक ही बार में मगरमच्छ को काबू में कर लेता है। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से भारी भरकम मगरमच्छ को यहाँ पर जैगुआर के द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। ईगल वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों ईगल और क्रोकोडाइल की फाइट वैसे तो आपने कम ही देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये मगरमच्छ अपने छोटे बच्चों को लेकर पानी में अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर ऊंचाई पर बैठे हुए एक ईगल की निगाह इस छोटे मगरमच्छ पर पड़ जाती है जो कि उसको अपना भोजन बनाना चाह रहा है। दूर से देखते ही ईगल वहाँ से लंबी छलांग लगा देता है और उसका टारगेट अब ये मगरमच्छ के बच्चे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ईगल भी देख रहे होते हैं कि कौन पहले हमला करेगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक ईगल रिस्क लेता है और वो वहाँ से उठकर सीधा टारगेट मगरमच्छ के बच्चे पर करता है। हालांकि बीच में मगरमच्छ उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है और ईगल मगरमच्छ को बच्चे को लेकर पेड़ पर उड़ जाता है। लॉयन वर्सेस चीता। दोस्तों अब इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग फाइट लॉयन और चीता की। वैसे तो लॉयन और चीता एक दूसरे से कम ही लड़ते हुए देखे गए हैं, लेकिन ऐसा क्या होगा जब ये मांसाहारी जानवर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो कि शेर की टेरिटरी में एक चीता ने कदम रखने की गलती कर दी। उसके बाद शेर का जो गुस्सा आया उसको देखते ही चीता वहाँ से भागते ही बनता है, लेकिन शेर इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है और काफ़ी दूर जाकर वो उस चीते को दबोच लेता है। तभी तक वहाँ पर शेर के कुछ और साथी भी आ जाते हैं और वो मिलकर उस चीते का शिकार करने में लग जाते हैं। चीता काफ़ी घबराया हुआ है और अपनी जान बचाने के लाख जतन करता है, लेकिन शेरों के आगे उसकी एक नहीं चलती है और वो आखिरकार घबरा कर अपना दम तोड़ ही देता है। दोस्तों इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों आपने बहुत सारी क्लिप देखी, इनमें आपकी फेवरेट कौन सी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।